दुश्मन को पल भर में तबाह कर देने वाले हथियार बनाने वाला डीआरडीओ अब कोरोना के खिलाफ मैदान जंग में उतर गया है। डीआरडीओ ने गुजरात के एक संस्थान के साथ मिलकर इस महामारी को हराने का बीड़ा उठाया है। क्या है कोरोना से जंग का डीआरडीओ का गुजरात मॉडल, देखिए निर्णय कपूर की रिपोर्ट। ये घातक हथियार बनाकर डीआरडीओ देश की दुश्मनों से रक्षा करता है। अब N99 मास्क बनाकर ये कोरोना वायरस से देशवासियों के लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। देश के सुरक्षा सिस्टम का पावर हाउस डीआरडीओ ने जो मास्क बनाया है, उस N99 मास्क को N95 मास्क से भी बेहतर माना जाता है। ये मास्क 99% से भी ज्यादा प्रदूषण फिल्टर कर देता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कोरोना पीड़ितों के इलाज में लगे डॉक्टर करते हैं। N99 मास्क बनाने का डीआरडीओ का सपना पूरा हुआ है। अटीरा यानी अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से N99 मास्क में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है, वो कपड़ा बनाने का काम अटीरा कर रही है। नैनो इलेक्ट्रिक स्पिनिंग मशीन में ये जो स्पेशल फाइबर है इस मास्क को बनाने में जो उपयोग होता है, उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ये जो फाइबर है, इसे एक्चुअली इंटरमीडिएट फाइबर कहा जाता है, जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। और उसमें ये जो फाइबर आ रहा है मशीन में, उस पर एक नैनो कोटेड फिल्म जो है वो चढ़ाई जा रही है। सिल्वर नैनो फिल्म है, इसको उस फाइबर के ऊपर लगा करके ये जो इंटरमीडिएट लेयर है जो मास्क के अंदर यूज होती है, फाइव लेयर मास्क में, उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है इस फैब्रिक को। देश में N99 मास्क का कपड़ा सबसे पहले बनाने का श्रेय अटीरा को जाता है। ये भारत की एकमात्र संस्था है जहाँ N99 मास्क का फिल्टर मटेरियल तैयार किया जाता है। ये मशीन जो है बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन अब इसे 24 घंटे चलाया जा रहा है अटीरा के द्वारा, क्योंकि देश में उस लेवल के मास्क की जरूरत है जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को चाहिए, उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने के लिए और ज़्यादा इक्विप कर सकें, ऐसे मास्क की जरूरत है, और वो सिर्फ इसी मशीन में बन सकते हैं। डीआरडीओ और अटीरा मिलकर 5 लेयर वाला N99 मास्क बना रहे हैं। इस खास मास्क के लिए अटीरा को मॉडर्न नैनो इलेक्ट्रो स्पिनिंग मशीन की जरूरत थी, जिसे गुजरात सरकार के आर्थिक सहयोग से खरीदा गया है। और अब दिन रात 24 घंटे यहां मास्क का कपड़ा बनाने का काम चल रहा है। N99 विल फिल्टर अबाउट 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई सामने आपके कफ करता है या पार्टिकुलेट मैटर पे कोई इन्फेक्टिव मटेरियल है, तो 99% ऑफ दैट पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके अंदर नहीं घुसेगा, आपके सांस में नहीं अंदर जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा। तो जो डीआरडीओ और अटीरा ने मिलके जो पहल की है, विच इज एक्सेलेंट, एंड द बेस्ट पार्ट इज कोरोना हैज गिवन दिस इनोवेशन एंड दिस न्यू थिंग कमिंग अप। अटीरा में रोज 15,000 मास्क लाए कपड़ा तैयार हो पाता है, लेकिन डीआरडीओ की डिमांड रोज 40,000 N99 मास्क के लायक कपड़ा तैयार करने की है, और अटीरा ये मिशन पूरा करने की जी जान से कोशिश कर रहा है। ये फेस मास्क में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा, इट विल गिव अ वेरी हाई प्रोटेक्शन टू पीपल हु आर एट हाई रिस्क, सो लाइक डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो या फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हो, जो हु आर प्रोन टू हाई रिस्क, उनके लिए इस तरह का फेस मास्क विल गिव अ गुड प्रोटेक्शन। डीआरडीओ ने अटीरा को 5,00,000 मास्क का कपड़ा तैयार करने का ऑर्डर दिया था। इनमें से 4,85,000 N99 मास्क बनाने लायक कपड़ा अटीरा ने डीआरडीओ तक पहुंचा भी दिया है। डीआरडीओ में जो N99 मास्क बना है उसका वजन 12 ग्राम है। इसका प्रोडक्शन मुंबई और कोलकाता में किया जा रहा है। अटीरा और डीआरडीओ ने मिलकर जो कमाल किया है, उसकी चर्चा देश भर में हो रही है। मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने भी डीआरडीओ को इस कामयाब कोशिश के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से हमारे डीआरडीओ के इंजीनियर्स ने ये अति आधुनिक N99 मास्क बना के देश को समर्पित किया है। इस मास्क ने सभी टेस्ट पास कर दिए हैं, यह अप्रूव हो गया है हर साइंटिफिक लैबोरेटरी टेस्ट से, और इसकी 12 महीने की
अवधि है, ये 12 महीने तक आपके काम आ सकता है। कोरोना संकट आने के बाद N99 मास्क इतनी जल्दी बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये मुमकिन हो पाया क्योंकि जरूरत का सामान देश विदेश से मंगाने के लिए गुजरात से लेकर केंद्र सरकार तक फुल स्पीड के साथ एक्शन में थी। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।